Hello, friends, and welcome to the exams made simple. And today is eighth of March, two thousand twenty-two. International Women's Day hash So, first of all, a big congrats to every every uh, female, every woman out there. And uh, thanks for being there also because you people are doing great job and uh, definitely you play the uh, role of uh, uh, someone who binds this society, who is responsible for the creation. And uh, definitely, without you people, the life would not have been possible. So, so on this note, let's start today's newspaper analysis. Uh, first of all, the questions for today, which are important. Hai. फर्स्ट क्वेश्चन इज हंसा एन जी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आपको बताना है कि हंसा एन जी किस रिस्पेक्ट में आपने सुना है फर्स्ट इज न्यू जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल टेस्टेड बाई डी आर डी ओ न्यू पैरासाइट स्पीशीज आइडेंटिफाइड इन ईस्टर्न घाट्स इंडिया यू टू थाउजेंड नाइनटीन फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट या डी न्यूली इनोग्रेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन श्रीलंका डोनेटेड बाई इंडिया तो आपको बताना है कि हंसा एंजिन में से क्या है सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर इनमें से कौन से बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट फायर के फर्स्ट इज इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी सेकेंड इज एड एंड मूव अलॉन्ग लाइफ साइकिल ऑफ सेवरल प्लांट्स थर्ड इज़ गेटिंग रिड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री या वन टू एंड थ्री अगला सवाल आप लोग देख so, है. रहे हैं विद रेफरेंस टू नदन रिवर टेरापिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो नदन रिवर टेरापिन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट कैरेट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एरिया ऑफ पेनिस्लर इंडिया सेकंड कह रहा है दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थर्ट एंड स्पेशीज तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है वन टू बोथ या नन सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन नॉ लेट मी टेल यू दी आंसर्स वन बाय वन लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए पहला सवाल था हंसा एन अं जी तो कल ही मैंने आपको बताया बताया था कि ये फ्लाइंग ट्रेनर था। था है इट्स अ फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो कल तो मैंने आपको बताया था दैट विल बी दी आंसर क्वेश्चन नंबर टू बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर पूछा गया है ये तीनों ही बेनिफिट अगर आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का वन ऑफ़ द बेनिफिट्स नहीं पता तो मैं बताऊँ स्लैश एंड बर्न जो होता है ना उसका एक एडवांटेज होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है तो स्लैश एंड बर्न इसलिए किया जाता था कई कम्युनिटीज द्वारा किया जाता था पहले एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल दीज विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दैट ठीक है ना तीसरा सवाल है नदन रिवर टेरापिन की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है अगर आपको पता हो तो जो नदन रिवर टेरापिन है वो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल है इट्स अ मोस्टली एक्वेटिक एनिमल और इंडिया बांग्लादेश ऐसे रीजन्स में पाया जाता है और दूसरा जो स्टेटमेंट है तो गलत है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना कि इंडेंजर्ड है इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो दैट विल बी दी आंसर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल मेन्स क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ आते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे है व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वुमेंस डे है तो आज हम बात करेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात कर लेते हैं सो व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव दैट आपको पता है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है बहुत अच्छा नहीं है तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि क्या क्या किया जा सकता है uh, इनको इसको बढ़ाने के लिए ठीक है ना तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट आ गया थोड़ा मैप ऑफ द डे देख लेते हैं आज का आज का जो मैप मैंने लिया वो रेड सी का रीजन रिया है रेड सी का रीजन लेने की के क्या ज़रूरत थी क्योंकि यमन ने अभी रेड सी के ऊपर कुछ मिसाइल्स या कुछ ऐसे हाउदीज ने कुछ मिसाइल्स वसाइल छोड़ी हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं देखो तो रेड सी वाला रीजन जो है वो आपका मेजरली दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई करता है एक आपका है एशिया का रीजन दूसरा आपका अफ्रीका का रीजन है ठीक है ना एशिया का रीजन और इधर आपका अफ्रीका का रीजन तो इधर से जो अफ्रीका वाला पार्ट है जो टच करता है उसको वो इजिप्ट का है ये देखो इजिप्ट आपको दिख रहा होगा देन ये सूडान वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ठीक है ना इरित्रिया का पार्ट आपको दिख रहा होगा है ना तो साउद और इधर साइड से आपका सऊदी अरेबिया दिख रहा है आपको इसके अलावा आपको Uh, side, uh, uh, side, uh, इधर साइड अफ्रीका साइड आपको इधर सोमालिया भी दिखेगा है ना दैट इज़ दैट इज अगेन अ पार्ट ठीक है तो इजिप्ट हो गया इधर से आपका सूडान हो गया देन आपका एरित्रिया हो गया देन आपका जिबूती हो गया जिबूती भी दिख रहा है जिबूती एंड ये आपका ये देखो सोमालिया वाला पार्ट भी दिख रहा है ये सोमालिया वाला पार्ट है जो इधर गल्फा फेड एन इधर रेड सी कोई इसका इलांगेटेड वो है है ना इधर यमन आपको दिख रहा होगा दिस इज़ यमन वाला पोर्शन यमन इज अगेन अ पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यमन है ना और यमन से ही हाउदी रेबल्स रेबल्स हाउदी आर फ्रॉम यमन है ना तो यहाँ पे आपको हाउदीज जो है दे आर द रेबल्स इन द यमन ऑनली तो हाउदी जो है यमन के की रेबल्स हैं और यमन की यहाँ पे कैपिटल सना लिखी है और यहीं पर आपका गल्फ ऑफ एडन है दिस इज गल्फ ऑफ एडन दिस इज रेड सी इसके बीच में एक बहुत छोटा सा पार्ट है है ना गल्फ ऑफ एडन आपको दिख गया और यहीं पर आपका बाबल मंडेब बात है देर इज ए बाबल मंडेब ऑल्सो ठीक है ना तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड जो मैंने आपको बताना चाहता था वो इंपॉर्टेंट यही सारी चीज़ें थी जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाँ यहाँ पर एरित्रिया और जिबूती और ये जो पार्ट है ना ये सीड के अंदर आता है यानी कि जो आपका सीड कंट्रीज़ है ना ये गल्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं जो एरित्रिया है जिबूटी जिबूती है है ना ये इथियोपिया वाला पार्ट हो गया तो ये सारे किसके अंदर आते हैं ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ कहलाती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ कहलाती हैं ठीक है, ना, है। ना और रेड सी में और क्या इंपॉर्टेंट है ऊपर रेड सी के ऊपर वाला जो पार्ट है वो सिनाई पेनन्सुला कहलाता है दिस इज द सिनाई पेनंसुला पोर्शन है ना तो यहाँ पे आप देख लीजिए यही है पोर्ट सेड यहीं पे है पोर्ट साइड भी आपका देखो ये देखो पोर्ट सेड है ना ये पोर्ट सेड है और ये आपका सिनाई पेनसुला वाला पोर्शन है और इधर साइड फिर इसराइल शुरू हो जाता है इसराइल वाला पार्ट शुरू हो जाता है अगर आपने देखा तो ये देखो इसराइल और जेरूसलेम ऊपर देखो इसराइल और जेरूसलेम ये वाला पोर्सन जहाँ पर है तो बिल्कुल इजिप्ट से लगा हुआ पोर्शन है ठीक है ना दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट और रेड सी रेड सी के बारे में आपको मेजर तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी जो रेड सी है वो एक सेमी इंक्लोज बेसिन है ट्रॉपिकल बेसिन है ना एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट एंड इसका जो नदन नण है ये सेपरेट करता है इट सेपरेट इन टू गल्फ़ ऑफ अकाबा एंड दस गल्फ ऑफ स्वज तो ये देखो ऊपर देखो ये गल्फ ऑफ़ अकाबा है और गल्फ ऑफ स्वज है है ना तो गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ़ ऑफ स्वच्छ इसके नदन पोर्सन में लाई करते हैं और ये कनेक्टेड है किससे मेडिटरनियन सी से कनेक्टेड है किससे स्वच्छ कनाल के थ्रू तो ये देखो ये स्वच्छ कनाल जा रही है है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ये ध्यान से देखना इसको कि यहाँ पे आपका ये गल्फ ऑफ अगाबा है इसके नदन में और गल्फ ऑफ स्वच है और ये गल्फ ऑफ स्वच के बाद फिर यहाँ पे स्वच कैनाल है ऊपर ये किससे कनेक्टेड है मेडिटरनियन सी से कनेक्टेड है ठीक है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट सदन एंड पे इसका गल्फ ऑफ एडन है एंड uh, फिर इसके बाद इंडियन ओशियन है एंड ये देखो गल्फ ऑफ एडन है दिस इज़ द गल्फ़ ऑफ एडन वाला पोर्शन और दिस इज़ इसके बाद इंडियन ओशियन वाला पोर्शन है है ना गल्फ ऑफ एडन फिर इंडियन वाला और ये कनेक्टेड किसे बाबल मंडेब स्ट्रेट कॉल्ड बाबल मंडेब तो बाबल मंडेब नाम का एक स्ट्रीट है वहां से फिर ये कनेक्टेड है ठीक है ना दैट इज़ अ थिंग विच इज इंपोर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ठीक है एंड uh, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है ना जैसे इसका फॉर्मेशन पूछे तो इसका फॉर्मेशन का रीज़न भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण ही ये ये भी बना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण ही बना है बना है तो ये भी आपका ना डाइवर्जिंग लिम रही होगी नीचे मेंटल की डाइवर्जिंग लिम्ब आपको पता है ना तो वही वही उसी का कारण ये बना है दैट इज अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट ठीक है और बाकी मैंने आपको बता दिया जो जो कंट्रीज हैं आस पास हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल ये था आज का मैप ऑफ द डे आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं तो लास्ट टाइम शुरू करेंगे सबसे पहले न्यूज एनालिसिस कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स uh, रहते हैं वो लास्ट के रहते हैं ठीक है ना तो लेट मी टेल यू दैट सबसे तो पहला जो यहाँ पे है वो है द लिस्ट ऑफ़ द एफ ए टी एफ एंड पाकिस्तान पोजिशन द लिस्ट ऑफ द एफ ए टी एफ एंड पाकिस्तान पोजिशन तो यहाँ पे एफ ए टी एफ के बारे में सबसे पहले तो फैक्ट लिखे हुए हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स ठीक है ना फाइनेंशियल uh, क्राइम्स का वॉच डॉग है एफ ए टी एफ फाइनेंशियल क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया टेरर फाइनेंसिंग हो गया ठीक है ना आपको याद रखना है अब ये जो एफ है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जी द्वारा बनाया गया था जब जी का समिट हुआ था 1989 में तो जी सेवन के नाइनटीन के समिट के बाद जो पेरिस में हुआ था वहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू होता है ठीक है ना और जब ये बना था तो केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बना था इट वॉज फॉर्म टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ ठीक है ना इसके बाद हुआ क्या, क्या कि ये जो ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम है वहाँ के फाइनेंशियल लूप होल्ड्स को ठीक करने के लिए इसको बनाया गया था और नाइन इलेवन के बाद जब नाइन इलेवन हुआ उसके बाद से जब नाइन इलेवन हुआ उसके बाद एफ के अंदर का एक और काम जोड़ दिया गया टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने का ठीक है ना आ, टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने का काम नाइन इलेवन के बाद इसमें जोड़ा गया मैंने बताया था ना आपको दो के बाद इसमें मेजरली जोड़ा गया था और दो में इस चीज़ को और ब्रॉड किया गया ताकि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी फंडिंग को भी स्टॉप किया जा सके ठीक है ना तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को स्टॉप किया जा सके इस कारण से 2012 में इसके अंतर्गत ये भी इंक्लूड किया गया ठीक है ना तो इन टू थाउजेंड ट्वेल्व इट वॉज इंक्लूडेड बेसिकली एंड ये आपको याद रखना है दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है ना अब करेंटली अगर देखोगे तो एफ के अंदर थर्टी नाइन मेम्बर्स हैं एंड द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफ ए टी एफ इज नोन एज इट्स प्लीनरी इसको प्लीनरी कहा जाता है ठीक है ना एफ की प्लीनरी कहा जाता है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है और वो लगभग तीन बार मिलती है एक साल में तीन बार मिलती है तो एफ की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है लगभग तीन साल तीन बार मिलती है एक साल में और उसको क्या बोलते हैं हम प्लीनरी बोलते हैं वी कॉल दैट प्लीनरी सो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन रिमेंबर दैट अबाउट एफ एफ आप उसको याद रख सकते हैं ठीक है ना एंड इसकी इसके जो मेंबर्स का नंबर फिर से मैं बता दूं एफ ए करेंटली थर्टी नाइन मेम्बर्स हैं और इट्स मीटिंग आर अटेंडेड बाय लेकिन इसकी मीटिंग जो अटेंड होती है लगभग टू हंड्रेड एंड सिक्स कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क द्वारा इसकी मीटिंग अटेंड की जाती है दैट इज़ अनदर थिंग विच इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ये भी आप याद रखिएगा ठीक है ना इसके अलावा एफ ए टी एफ क्या करता है एफ ए टी एफ रेगुलर पीयर रिव्यूड इवेलुएशन करता है जिसको म्यूचुअल इवेल्यूएशन कहते हैं ठीक है ना तो एफ ए टी एफ कंडक्ट्स रेगुलर पीयर रिव्यूड इवेलुएशन कंट्रीज़ का एवेलुएशन करता है फाइनेंसिंग का इन सब चीज़ों का कि वहाँ पे फाइनेंस का क्या है टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है और उसके हिसाब से उसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इवेलुएशन कहते हैं एंड विच चेक्स देयर परफॉर्मेंस ऑन स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाई प्रस्क्राइब्ड बाय बाई एफ ए टी एफ ऑनली तो एफ ए ने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं फिर उसी के बेसिस में बेसिकली uh, ये देखते हैं कि भैया कहीं कोई ऐसी कंट्री तो नहीं है जो सही से काम नहीं कर रही है या कोई ऐसी कंट्री तो नहीं है जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है वो बताते हैं इसी के बेसिस पर ये अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग लिस्ट में रखते हैं जैसे कि ग्रे लिस्ट हो गई इनकी ब्लैक लिस्ट हो गई एफ की तो ये अलग अलग इनकी लिस्ट जो नॉन कंट्रीज़ हैं उनको ये रखा जाता है तो grey लिस्ट are those that आर एक्टिवली वर्किंग विद FATF to counter criminal टू काउंटर क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऐसी कंट्रीज जो कि काम तो कर रही है FATF के साथ मिलकर के फाइनेंशियल एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए लेकिन पूरे पॉइंट्स uh, पर उन्होंने काम नहीं किया which I have not completed all the entire points है ना जो कि एफ ने अगर बनाया मान ली एफ ने सत्ताईस पॉइंट दिए थे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने उसमें बाईस तेईस में तो काम कर लिया लेकिन तीन चार काम बचा रह गया इसलिए एफ ने उसको ग्रे लिस्ट में रखा है आपको आपने काम तो कर रहे हैं लेकिन आप पूरे पॉइंट्स पे काम नहीं कर रहे हैं ठीक है ना और अभी रिसेंटली यूएई को भी ऐड कर दिया है ना एंड जिम्बाब्वे को हटा दिया जैसे तो ये सारी अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे करते रहते हैं टर्की वर्की को भी इनको इन्होंने इंक्लूड इन्कु, कर दिया था ब्लैक लिस्ट का मतलब इट मैन इट मीनस कंट्रीज आर डेजिग्नेटेड बाय एफ एज हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन तो हाई रिस्क जो ज्योरिस्डिक्शन है हाई रिस्क कंट्रीज जो है उनको ये ब्लैक लिस्ट करके रखती है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट से नुकसान क्या है देखो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द कंट्रीज टू गेट एड फॉर फ्राम ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एम एफ ए डी बी यूरोपियन यूनियन ये सारा तो अगर कोई कंट्री इनके ग्रे लिस्ट में है या फिर इनके ब्लैक लिस्ट में है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस कंट्री को किसी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे मदद उसको नहीं मिल पाएगी रीज़न क्या रीज़न ये रहेगा कि वो कंट्री ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है ब्लैक लिस्ट में इसलिए जो उन कंट्रीज़ को मदद नहीं मिल पाएगी फ्रॉम दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल आईएमएफ हो गया आपका वर्ल्ड बैंक हो गया यूरोपियन यूनियन हो गया इनसे मदद नहीं मिल पाएगी ठीक है ना तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है क्यों कंट्रीज यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं ठीक है ना एंड ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगभग दो से रहा ही रहा है है ना चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए टेरा फाइनेंसिंग हो उसकी उसमें उसकी वीकनेस बताई गई कि पाकिस्तान uh, बहुत वीक है एंड दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट दीज मनी लॉन्ड्रिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इवेंट्स और टेरर फाइनेंसिक इवेंट्स ठीक है ना तो है काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना अब इसके अलावा एक और दो में एफ ने रिफर्म किया टू डेजिग्नेट पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट एज द कंट्री बिगैन टू कॉपरेट विद एफ लाइक रीजनल बॉडी जिसका नाम है एशिया एशिया पैसिफिक ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ पाकिस्तान थोड़ा मिलके काम कर रहा था एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ अनदर बॉडी दैट इज़ एफ लाइक रीजनल बॉडी अगला है द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ नो फ्लाई जोन अब यहाँ पे नो फ्लाई जोन की अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने मदद मांगी थी यूरोपियन यूनियन से और नेटो से कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए देखो क्यों क्या दिक्कत है मैं आपको बस सिंपल पॉइंट से बताना चाहता हूँ नो फ्लाई जोन का मतलब क्या होता है नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिनको परमिट किया गया है उनके अलावा और कोई दूसरा एयरक्राफ्ट वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकता जो परमिटेड कंट्रीज़ हैं उनके अलावा कोई और दूसरा दूसरी कंट्री वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकती दूसरी कंट्री का एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल अगर मान लो अमेरिका ने बोला कि अब यूक्रेन नो फ्लाई जोन है फॉर रशिया तो इसका मतलब है कि रशिया के अलावा बाकी प्लेन्स फ्लाई कर सकते लेकिन रशियन एयरक्राफ्ट या रशियन प्लेन्स जब वहाँ पर आएंगे तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अब दिक्कत क्या थी कि क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया यूक्रेन रिक्वेस्ट को क्योंकि अगर अमेरिका या यूरोपियन कोई भी कंट्री ऐसा करती तो ये एक रशिया यूरोपियन कंट्रीज चाहे अमेरिका हो, चाहे हो कोई भी ऐसी नहीं होगी जो इस समय रशिया के अगेंस्ट वॉर मोल लेना चाहेगी बिकॉज इट विल क्रिएट क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज ऑल्सो है यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज एज वेल यही रीज़न है कि नो फ्लाई जोन को अडॉप्ट नहीं किया गया है नाटो ने प्रीवियसली बहुत जगहों पे किया है ऐसा नहीं कि नहीं किया है नो फ्लाई जोन जैसे कि अभी बीच में हमने देखा था कि आ, आ, इसके पहले जैसे लिबिया में या किया गया था है ना बीच में लिबिया में जब मम्मार गद्दाफी और ये वाला जो रीजन था वहाँ पर किया गया था ठीक है ना और इसके पहले और दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर नो फ्लाई जोन किया गया है लेकिन र, नाट, रशिया और यूक्रेन वाले रीजन में करना बहुत मुश्किल है दोनों ही एक तो नेटो के मेम्बर नहीं है ना दोनों नेटो मेंबर नहीं है और नेटो अगर ऐसा करता है नो फ्लाई जोन तो मतलब नेटो के प्लेन्स को वहां जाना पड़ेगा दूसरी चीज जब भी रशियन प्लेन से निकलेगा तो उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो दिस इज़ अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर एक तरीके से ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर हो जाता है और रशिया के अगेंस्ट वॉर लेना इस समय बहुत पॉसिबल नहीं है फॉर यूरोपियन यूनियन और फॉर अमेरिका एंड नेटो इस कारण से ये चीज़ उन्होंने मना कर दी करने से तो नो फ्लाई जोन का आपको समझ में आ गया आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एन में बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है रिसेंटली को लोकेशन का घोटाला हुआ है तो मैं एक बार डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ को लोकेशन क्या होता है कोलोकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी फैसिलिटी जहां पे एक थर्ड पार्टी यूजर को या थर्ड पार्टी को आप लीज कर देते हो अपना सर्वर स्पेस ठीक है ना जैसे एन का सर्वर स्पेस जो था या सर्वर रैक जो था वो उन्होंने लीज कर दिया लीज आउट कर दिया ट्रू अ थर्ड पार्टी ठीक है ना अब वो थर्ड पार्टी कौन थी वो थर्ड पार्टी थी ब्रोकरस की ठीक है ना दिक्कत ये हो गई वो थर्ड पार्टी थी ब्रोकरस की तो उन्होंने उस सर्वर का मिस करना शुरू किया और मार्केट मैनिपुलेट करना शुरू किया ठीक है ना को uh, में बहुत फैसिलिटीज शेयर की जाती है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर सप्लाई बैंडविथ कूलिंग फॉर सेटलिंग अप सर्वर्स एंड स्टोरेज डेटा ये सारी चीजें उनके साथ शेयर की गई थी थर्ड पार्टी के साथ और एन एस सी ने अपनी ये फैसिलिटीज़ जो है वो को कोलोकेट की थी विद द ब्रोकरस एंड ऑल एंड यही रीज़न है कि उन्होंने इसका मिसयूज़ किया दो हज़ार बारह से चौदह के बीच में और क्या हो रहा था कि एक्चुअली उनके साथ दिक्कत क्या थी उनके पास इतना फास्ट सर्वर था सब कुछ था कि उनको दो तीन सेकेंड पहले सारी इन्फॉर्मेशन लग जा रही थी तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है स्प्लिट ऑफ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट के लिए कि एक सेकेंड में करोड़ों का प्लस माइनस हो सकता है तो ऐसे में ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन मानधन स्कीम अब ये एक्चुअली पेंशन स्कीम है फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 18 से 40 साल के लोग होंगे उनको पेंशन अवेल कराने के लिए उन्होंने प्रीमियम बनाया है कि पचपन रुपये से लेकर के दो सौ तक अगर आप डालते हो तो आपको अलग अलग रुपए की मतलब पेंशन अवेलेबल कराई जाएंगी आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ठीक है ना साठ साल के बाद या कुछ भी करने के बाद है ना तो अब यहाँ पे जब साठ साल की एज रीच होगी तो बेनिफिशरी वुड गेट थ्री मंथली टेंशन ठीक है ना काफ़ी लोग इसने इसमें इन इन्रो, इनरोल भी किए कि साठ के बाद भाई थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगेगा तो ऐसे में अब लेबर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि डोनेटर दे, दे, पेंशन स्कीम मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा एक साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप अपने किसी भी गार्डनर की या ड्राइवर की या किसी भी ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसका एक साल तक का प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा जिसका अमाउंट छः सौ चालीस रुपये छः सौ साठ रुपये से लेकर के चौबीस सौ रुपये तक आ सकता है द प्रीमियम कैन कम अप टू रुपीज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड फ्राम सिक्स सिक्सटी रुपीज़ है ना तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगला है प्लान टू ब्रिंग फोर लैक गर्ल्स बैक टू तो स्कूल अब यहाँ पे सेंटर जो है वो लॉन्च करने वाला है बैक टू तो स्कूल कैंपेन जो कि कम से कम चार लाख यंग गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल इन द इन इनटू इन तो द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उनको लाना चाहते हैं अब ये न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दीज गर्ल्स इन द एज ग्रुप एटीन इलेवन टू फोर्टीन एज ग्रुप विल नो लॉन्गर रिसीव आंगनबाड़ी सपोर्ट एज द फोकस शिफ्ट फोर्टीन टू एटीन ईयर ओल्ड्स तो अब यहाँ पे जो

थर्टी टू परसेंट था वो गिर करके कितना हो गया ट्वेंटी वन परसेंट हो गया बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है चाहे आई एम एफ जैसे हमने बताया कि अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं क्योंकि फीमेल इंडिया में फोर्टी नाइन फिफ्टी परसेंट के बीच में है और ऐसे में अगर उनका पार्टिसिपेशन कम है वर्क फोर्स में तो आप इकोनॉमिक बेनिफिट रीप नहीं कर सकते ठीक है ना ऑब्वियस सी बात है इंडिया में अभी भी जो हाउस होल्ड वर्क है उसको काउंट किया नहीं जा रहा है दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम विद डैट लेकिन ये सारे इशूज़ हैं ऑलरेडी तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि वुमेन को जो है पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए हमारे यहाँ अभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है हमारी टू थाउजेंड ट्वेंटी में एवरेज एज थी वो ट्वेंटी नाइन ईयर्स थी है ना तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा बेनिफिट है और लेबर मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर ऑथर ने दो तीन सेक्टर्स के नाम बताए जैसे कि एक तो जो केयर सेक्टर है केयर सेक्टर में वेमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑलरेडी और कर सकती हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है केयर सेक्टर में आपका दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जैसे कि आपका आ गया हेल्थ केयर आ गया है ना पैलीटेटिव केयर आ गई हेल्थ केयर आ गया इसके अलावा जैसे एजुकेशन सेक्टर है वेमन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं कर भी सकती हैं और ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन का पोटेंशियल है ठीक है ना तो केयर फैसिलिटीज़ हो गई केयर फैसिलिटीज़ में काम कर सकती हैं और बस हाँ ये है कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और और फीमेल्स को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा लेकिन दे कैन वर्क अ लॉट है ना नर्सेज का काम बहुत अच्छा वेमन करती हैं जैसे आपने देखा होगा कि केयर सेक्टर में बहुत इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन प्रमोट करो वेमन का एजुकेशन

में आप इन्वेस्ट करो उसमें बहुत पोटेंशियल है लगभग सिक्सटी नाइन मिलियन जॉब्स जो है वो दो हज़ार तीस तक ये बना सकता है केयर केयर इकॉनमी जो है है ना फिर यहाँ पे ऑथर ने कहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से जो ये आपका प्लेटफॉर्म वर्क है गिग इकोनॉमी है जैसे अभी आपने देखा होगा आ, अर्बन कंपनी करके हैं उसमें काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने लगी हैं चाहे भले वो सेक्टर कैसा भी हो लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा है लेकिन एक ऑथर ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थोड़ा लिमिटिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं है ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स या इंटरनेट के अवेलेबिलिटी ही नहीं है अब डेटा अगर देखें अगर अपन देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा है मीडिया सॉरी मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट कहता कि 25 and, uh, so 25 है कि ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वेमेन हैव स्मार्टफोन्स एंड कंपेयर टू फोर्टी वन परसेंट ऑफ मेन तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही वुमेन ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है कंपेयर टू फोर्टी वन परसेंट मैन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब कमी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है वो प्लेटफॉर्म और मीडिया ये ये सेक्टर को पूरा बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे ऐसे में ज़रूरी है कि वीमेंस एंड गर्ल्स को एक्सेस दिया जाए प्रॉपर एजुकेशन का उनको ट्रेनिंग दी जाए स्किल ट्रेनिंग दी जाए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए है ना स्कॉलरशिप्स पे उनको एजुकेशन प्रमोट किया जाए है ना देन उनका बेसिकली उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वो अगर कुछ ऑन्टरप्रीनियर वेंचर वो करना चाहते तो वो उनको मिल सके है ना देन इमर्जिंग सेक्टर्स हैं स्किल डेवलप उसके बेसिकली स्किल डेवलपमेंट करें वीमेन का रोल गिग इकॉनमी में प्लेटफॉर्म इकॉनमी में केयर सेक्टर में इसमें बढ़ाएँ

दो कमी कौन कौन सी आई सी की पहली कमी ये है कि दैट इट डज नॉट केटर टू द चाइल्ड अंडर एज ऑफ थ्री तीन साल से कम बच्चे को केटर नहीं करता आई सी दूसरा जो बोला उसमें प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ वर्किंग ओनली फॉर फ्यू आर्स अडे दिन के कुछ ही घंटों में ये काम करता है ना तो फ्यू आवर्स दोनों चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वुमेन ऐसे में काम नहीं कर पाएंगी तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो एक्सटेंशन है वो आई सी का ऐसा होना चाहिए कि उसमें जीरो से सिक्स ईयर का कम से कम इंक्लूड करो और दूसरी चीज उसके जो आर्स हैं वर्किंग आर्स उनको एक्सटेंड करो ताकि वुमेन जो है वो काम कर सके एटलीस्ट कहीं भी वो काम करना चाहती है तो काम कर सके दूसरा क्रीश स्कीम जो है क्रीश स्कीम का को एक्सपैंड करो है ना नेशनल क्रीश स्कीम में भी बहुत सारी फंडिंग की प्रॉब्लम्स आई है कई बार गवर्नमेंट ने फंड डिक्रीज़ कर दिए हैं तो वो है कि गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए कि बेनिफिट बढ़ाने चाहिए और फंडिंग उसमें रिवाइटलाइज़ करने की ज़रूरत है नेशनल क्रिश स्कीम को रिवाइटलाइज़ करने की ज़रूरत है ठीक है ना दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट जो मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं मतलब अनऑर्गनाइज सेक्टर में तो मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे आपको पता होगा कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें छब्बीस छब्बीस हफ्तों का मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है उसके बाद भी वर्क फ्रॉम होम कर